हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। सभी साथियों को बहुत बहुत शुभ संध्या, राधे राधे। मैं राजीव सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं राजीव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इतिहास वो नहीं लिखते जिन इतिहास लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं होती है, बल्कि इतिहास लिखने के लिए हौसलों की जरूरत होती है। तो जिसके पास हौसले होते हैं वो बुलंदी को जरूर छूते हैं। तो जितने भी साथी, जितने भी फ्रेंड्स जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, झारखंड और बिहार सेवंथ फेज के फ्रेंड्स हैं, वे सभी के सभी तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के, आप सभी लोगों का राजीव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फटाफट जल्दी से सभी लोग चैट सेक्शन में जाके और मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता देंगे कि आप सभी लोगों तक हमारी आवाज और विजिबिलिटी प्रॉपर पहुंच रही है। इफ ऑडियो वीडियो बहुत क्लियर, अगर आवाज और विजिबिलिटी प्रॉपर पहुंच रही है तो सभी के सभी साथी फटाफट चैट सेक्शन में जाके और कमेंट्स के माध्यम से एक बार मुझे बता देंगे। जितने भी साथी, जितने मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार सभी लोग लिंक को कॉपी करके और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देंगे। आपको बता दूं, क्योंकि जो हम शाम 7 बजे प्रतिदिन लेकर आते हैं जीव विज्ञान के क्वेश्चन, वे बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। और दोस्तों बता दूं कि कल लास्ट सेशन तक एक एक टॉपिक, इसमें जो हम टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स के क्वेश्चन करा रहे, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड ब्रीफ डिस्कस के साथ कंप्लीट हम डिस्कस करने के बाद आपके सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट कराते हैं। तो जितने भी मित्र, जितने भी साथी, टॉपिक वाइज इस समय जो आपकी जीव विज्ञान के टेस्ट सीरीज कह सकते हो कि प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, और वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों को इस समय जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो सिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमी, और इसके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कल हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस में कराए थे और आज दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। तो एक बार जितने भी साथी, जितने भी मित्र चैट सेक्शन में, कमेंट सेशन में, एक बार फटाफट जल्दी से मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता देंगे कि हमारी आवाज और विजिबिलिटी आप सभी तक ठीक से पहुंच रही है। और मैं फटाफट आप लोगों की ले लेता हूं कमेंट्स, जिससे मुझे पता चल जाए कि सारे के सारे दोस्त सेशन से जुड़ चुके हैं और चैट सेक्शन में एक ऊर्जा दिखनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में एक एनर्जी दिखनी चाहिए। और जितने भी साथी जुड़ चुके हैं सेशन से, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम लोगों में शेयर कर दो। जो टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान की तैयारी करने वाले हैं वे सभी लोग, सभी साथी फटाफट ज्वाइन करके और अपना करें स्व मूल्यांकन इवैल्यूएशन कि आपकी कितनी तैयारी है, आप कितने पानी में हो अभी, वो भी पता तो चलना चाहिए। आप क्या एग्जाम अगर कल की डेट में हो जाता है यूपी टीजीटी पीजीटी का, तो आप 100% तैयार हो या नहीं, वो भी पता होना चाहिए। तो बहुत सारे साथी, बहुत सारे मित्र सेशन से जुड़ चुके हैं, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसमें बहुत सारे नाम आ रहे हैं। डी एस उषा कुमारी, कुमारी निशी, निशा पटेल है, नीरज यादव है, राम महेश है, रुचि है, वंदना है, राम महेश है, प्रिया प्रिया, वेरी गुड इवनिंग, पूजा चतुर्वेदी, अंशुल सिरोही, स्वाति शुक्ला है, अंकिता मिश्रा है, ओम नमः शिवाय, राजपाल सिंह, सुधीर रश्मि और प्रतिभा सिंह, साकिब हसन, राजपाल, बहुत सारे, कोमल भार्गव, शिवम सिंह भदौरिया, ब्रदर्स ऑफिशियल, भरपूर आसवा, नीरज साइंस क्लासेस, रेणु, प्रमोद कुमार भी जुड़ चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग प्रमोद, पूनम भी जुड़ चुके हैं, और सौमिता चंदेल, दिव्यांशी, उसके साथ साथ तमाम साथी, चलिए कुछ क्रिएटिव पॉइंट, सुषमा किरण सिंह, पूजा चतुर्वेदी, सर पानी में तो बहुत है बट डूब नहीं पा रही हूँ, स्विम कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, इस समय कह रहे सर पानी में तो बहुत ज्यादा है लेकिन हम डूब नहीं पा रहे हैं, इसमें स्विमिंग करते हुए हम फ्लोटिंग प्लांट्स की तरह बॉयंकी नेचर में पहुंच गए हैं। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, इस समय आप लोगों के स्क्रीन पे जो पेज दिखाई दे रहा वो टीजीटी पीजीटी एलटीजी ऐसी झारखंड मध्य प्रदेश डी ट्रिपल एस बी केवीएस के लिए प्रिपरेशन सभी जीव विज्ञान के परीक्षार्थियों के लिए करवा रहे हैं। क्लास नोट्स, पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, स्पीड टेस्ट, नया बैच प्रारंभ है। आपको बता दें कि न्यू बैच अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है, एकदम से फर्स्ट क्लास जूलॉजी की आप लोग पढ़ रहे हो एल्गा, और आपने का बॉटनी में आप लोग पढ़ रहे हो इस समय ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम। तो भाई जितने भी साथी जो एडमिशन लेना चाहते हैं वे गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और गूगल प्ले स्टोर पर जाके राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके और वहां से अपना एक आईडी पासवर्ड क्रिएट करके और उसमें एंटर करके आप जाके कोर्स परचेज कर सकते हो। डेमो वीडियोस पड़े हुए हैं, सारे के सारे देख लीजिए, उसके बाद इत्मीनान से जब चीजें समझ में आ जाए तो जाके कोर्स अपना परचेज करके कंटिन्यू पढ़ाई कर दो। 4 घंटे पर डे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, और ऑफलाइन क्लासेस भी सुबह आपने कहा
8 बजे से लेकर 12 बजे तक धुआंधार चलती है प्रयागराज में। तो जो साथी प्रयागराज के आसपास है या जो इलाहाबाद प्रयागराज में आ सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस सुबह 8 से 12 कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आप अगर बाहर है, दूर है, तो ऑनलाइन क्लासेस आप लोग कर सकते हैं 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कंटिन्यू एप्लीकेशन के माध्यम से। और आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपना कोर्स परचेस कर लीजिए अगर आपको टीजीटी पीजीटी में एक सीट पर नियुक्ति पत्र लेना है तो। बाकी शाम प्रैक्टिस आपकी डेली चल रही है 7 बजे और धुआंधार प्रैक्टिस आप लोगों की चल रही है। तो गाइस कल तक हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेशन में आपको पता होना चाहिए कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे टैक्सोनॉमी और आपने कहा सिस्टमैटिक्स के, उसी के आगे के क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस टॉपिक में। तो जितने भी साथी जितने भी मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार सभी मित्र फटाफट सेशन को शेयर कर देंगे मैक्सिमम लोगों तक, जिससे सभी के सभी साथी सेशन से जुड़कर और धुआंधार करेंगे अपना इवैल्यूएशन। तो लास्ट क्लास में आपने कहा लेनियस कंसीडर्ड द, ये आपने कहा इसका हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। तो एक बार जोर लगाकर चैट सेक्शन में मुझे एनर्जी दिखा दो कि क्या ऊर्जा है आप लोगों की, आपके पास पोटेंशियल है। तो सभी के सभी साथी फायर इमोजी जाके सेशन में करिए, जैसे मुझे पता चल जाए कि हमारे सारे स्टूडेंट्स सारे के सारे साथी जितने भी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करने वाले हैं वो एक एक क्वेश्चन को तोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो एनर्जी वो पोटेंशियल मुझे चैट सेक्शन में दिखा दीजिए जितने भी मित्र जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। और वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी साथियों का, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ राधा वर्मा, शिवम सिंह भदौरिया, प्रीति चौधरी, एचएल वर्मा, राम महेश, ममता प्रजापति, वंदना कुशवाहा एंड राम महेश, उसके साथ साथ पूजा चतुर्वेदी, सब कुछ सॉल्यूशन इधर भी कर देते तो हम ओल्ड बैच वाले बच्चों का जरूर मिल जाता। बिल्कुल पूजा, ओल्ड बैच वाले बच्चों का भी धुआंधार चल रहा है ना, सारे के सारे सब्सक्रिप्शन लेके वहीं से पढ़िए बेटा। मैंने पूरा आप लोगों को टाइम दिया, पूरा छूट दिया, बहुत अच्छा। प्रिया प्रिया, रुचि, प्रतिभा, साकिब, रश्मि, सारे के सारे, पूनम, सारे के सारे बच्चे एक बार चैट सेक्शन में एनर्जी दिखा रहे हैं कि सर वी आर रेडी फॉर गिविंग द क्वेश्चंस, वी आर रेडी फॉर क्रैकिंग द क्वेश्चंस। आप लोग बता रहे हो कि हम सर एकदम तैयार है क्वेश्चन को तोड़ने के लिए, क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। तो गाइस आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है और आप सभी लोग पढ़िए और फटाफट आंसर करिए। लिखा गया कि डाइडेल्फस कंडीशन इज ऑफ स्टेमेन इन, अब स्टेमेन में आपको पता है कि मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, साइलेंड्रस, सिंजनेसियस, उसके साथ साथ पॉलीडेल्फस कंडीशन। तो मोनोडेल्फस कंडीशन जब एंथर फिलामेंट मिलकर एक बंडल बनाते हैं, डाइडेल्फस कंडीशन एंथर फिलामेंट मिलकर दो बंडल बनाते हैं, बहुत सारे बंडल बनाते हैं, तो आपने कहा उसे पॉलीडेल्फस कंडीशन कहते हैं। और जब फ्यूज हो जाते हैं तो आपने कहा सिंजनेसियस कंडीशन कहलाती है, और फ्री होते हैं तो आपने कहा साइनेंड्रस कंडीशन कहलाती है। तो मेरा ट्रिक आप लोगों को याद होगा, मोनोडेल्फस मालवेसी, डाइडेल्फस पेपलियोनेसी, साइनेंड्रस कुकुरबिटेसी, सिंजनेसियस कैंप लगाई, पॉलीडेल्फस रोजी आई। तो बताओ डाइडेल्फस फिलामेंटस कंडीशन इन स्टेमेन इज फाउंड इन मोनोडेल्फस मालवेसी, डाइडेल्फस पेपलियोनेसी, जहां डाइडेल्फस कंडीशन आया तुरंत ही आपने आंसर कर दिया कि डाइडेल्फस इज अ पेपलियोनेसी इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। और इसका तुरंत आप लोगों ने आंसर कर दिया पेपलियोनेसी। और कितने साथी है, कितने मित्र जिन लोगों ने फटाफट आंसर कर दिया सी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन, बहुत अच्छा, वेल डन सारे के सारे मित्र, सारे के सारे दोस्त 51 नंबर क्वेश्चन के आंसर किए। आपने कहा मोनोडेल्फस मालवेसी, डाइडेल्फस पेपलियोनेसी, सो पॉलीडेल्फस रोजी आई, सिंजनेसियस कैंप लगाई, साइनेंड्रस कुकुरबिटेसी, याद है ना, मोनोडेल्फस मालवेसी, डाइडेल्फस पेपलियोनेसी, साइनेंड्रस कुकुरबिटेसी, पॉलीडेल्फस रोजी आई, सिंजनेसियस कैंप लगाई, सारे के सारे स्टेमेन के कंडीशन एक ट्रिक में आपको याद हो जाएंगे। अ वेरी गुड इवनिंग अर्चू, कुछ क्रिएटिव पॉइंट निशा पटेल, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ वीट इज अ, अब वीट जो गेहूं है इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, स्पाइक, स्पाइकलेट होता है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स होते हैं या पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स होते हैं। गेहूं का इन्फ्लोरेसेंस पुष्प क्रम अगर पूछा जाता है, स्पाइक आप स्पाइकलेट्स होते हैं गेहूं में या स्पाइक होते हैं, स्पाइकलेट होते हैं या पेनिकल ऑफ स्पाइकलेट्स होते हैं, तो ध्यान रखना वीट बोले तो ग्रेमिनी पोएसी फैमिली का है। आपने कहा वीट बोले तो ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली का है, और इस फैमिली में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है स्पाइक एंड स्पाइकलेट्स टाइप, एंड आंसर इज आल्सो
अगेन इस सी, इस सवाल का भी आंसर क्या होगा? सी। और उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने स्पाइक एंड स्पाइकलेट्स, राधा वर्मा, कुश क्रिएटिव, प्रीति चौधरी, ममता, सुधीर, रश्मि, प्रतिभा, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। और जो आप लोग बता रहे हो कमेंट सेशन में जाके, वो धुआंधार तरीके से आंसर कर रहे हो सारे के सारे, मतलब 80% लोगों का करेक्ट आंसर है। एक दो लोग हैं जो कैंसर नहीं कर पा रहे, जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़े या जो हमारे विद्यार्थी नहीं है, कहीं ना कहीं वही चैप्टर का आंसर नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर, द साइंटिफिक नेम ऑफ सनफ्लावर इज ए, सूरजमुखी का, सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए सनफ्लावर, सबसे पहले तो ये कौन सी फैमिली का मेंबर है और इसका साइंटिफिक नेम पूछा गया। तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस आपने का, ये तो किसका है बेटा? गुड़हल का साइंटिफिक नेम है। उसके बाद पूछा गया सोलेनम नाइग्रम, आपने का ये मको है, इसे क्या कहते हो? मको। पेन थोड़ा सा पतला कर लेता हूं, आपने इसे क्या कहते हैं? मको है, मको, सोलेनम नाइग्रम। हेलियंतस एनस, हेलियंतस एनस की बात करते हैं तो यही, अरे वाह, बैक टू बैक सी, सी इज दैट करेंट। आपने कहा इस सवाल का भी करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, हेलियंतस एनस। ओराइजा सटाइवा, सभी लोग जानते हो, इसे क्या कहते हो? आपने कहा चावल, चावल बोले तो राइस का बॉटनिकल नेम होगा। हेलियंतस एनस इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। तो तीनों सवाल के बैक टू बैक सी इज द करेक्ट आंसर। आपने कहा सभी की सभी सी, बहुत अच्छा। सीमा, अर्चु, सुषमा किरण, रुचि पटेल, राधा वर्मा, राम महेश, ममता, फैमिली एस्ट्रेसी, और इसका पुराना नाम क्या है? एस्ट्रेसी फैमिली का पुराना नाम क्या है? मोस्ट एडवांस फैमिली कौन सी है और इसका ओल्ड नेम क्या है? एस्ट्रेसी फैमिली का पुराना नाम क्या है? अंजलि जायसवाल। चलिए भाई सभी के सभी साथी फटाफट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइथियम इज ए कप शेप्ड इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन। अब जो पूछा गया कि साइथियम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन सनफ्लावर में, फाइकस में, मलबेरी में, यूफोरबिया में, आपको पता है जब कभी भी, जब कभी आप लोगों ने एक बचपन में, एक बचपन में जब आप पढ़ने जाते थे अपना विद्यालय, तो कभी गोला लगाए हो गोला, एक व्यक्ति ऐसे, जब एकदम छुट्टी होने को होती थी, एक व्यक्ति बीच गोला में ऐसे खड़ा हो जाता था और चारों तरफ से सारे बच्चे बैठ जाते थे, उसको टेबल याद कराते थे, उसको आ ये याद कराते थे। उसी प्रकार से अब देखो इसमें क्या होता है कि फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर इसमें कहां पर होता है? सेंटर में। फीमेल इस इन्फ्लोरेसेंस में अगर पूछा जाता है साइथियम में, साइथियम में फीमेल सेंटर में होती है और इसके चारों तरफ अरेंज हो जाते हैं कौन? मेल। तो मेल आपने का ये एक होर्ल बनाते हैं, चारों तरफ सराउंडेड होती हैं फीमेल के कौन? मेल। दैट कंडीशन इज फाउंड इन यूफोरबिया, आपने की किसमें पाई जाती है? यूफोरबियेसी। डी इज द करेक्ट आंसर। और कितने लोगों ने इसका डी आंसर किया? यस सर, ये क्वेश्चन याद हो गया, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए कम से कम याद हो गया तो कभी नहीं भूलेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा साथी राधा वर्मा कह रहे हैं 420 है, अच्छा यूफोरबियेसी, हाँ बिल्कुल, मेरा साथी 420 है। सारे लोगों को देखो, सारे लोगों को ट्रिक भी याद है, मेरा साथी 420 है, यूफोरबियेसी, इनकेस्टर रिसनस, वेल डन रुचि पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, टैक्सॉन रिफर्स टू स्पीसीज, जीनस, फैमिली या ग्रुप ऑफ एनी रैंक। टैक्सॉन है क्या? आपने कहा टैक्सा इज द प्लूरल, टैक्सॉन इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ टैक्सोनॉमी। अगर पूछा जाता कि जो टैक्सा है, ये टैक्सा इज द प्लूरल फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है? प्लूरल। तो ये प्लूरल फॉर्म है, तो टैक्सॉन इज द, आपने कहा ये सिंगुलर है, ये कैसा है? सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर फॉर्म है टैक्सॉन, तो टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। आपको ये भी बता दूं, टैक्सॉन को आप कह सकते हो यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की यूनिट किसे कहते हैं? टैक्सॉन। और टैक्सॉन आपसे पूछा जाता ग्रुप ऑफ एनी रैंक, चाहे स्पीसीज का ग्रुप हो, चाहे फैमिली का ग्रुप हो, चाहे जीनस का, ग्रुप ऑफ एनी रैंक, ये सारी रैंक है, इन रैंक का पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन। देन आपने कहा टैक्सॉन इज द ग्रुप ऑफ एनी रैंक, तो इसका भी डी करेंगे करेक्ट आंसर। और आप लोगों ने क्या किया इसका? वेल डन, वेल डन, वेल डन, सारे के सारे साथी, सारे के सारे मित्र, जितने भी मित्र हैं, बहुत अच्छा, वेल डन, वेल डन, सभी के सभी साथी करेक्ट आंसर कर रहे हो दैट क्वेश्चन। टैक्सॉन अ ग्रुप ऑफ, आपने एसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैंक ऑफ टैक्सा, टैक्सा में जितने भी, आपने का टैक्सा में जितने भी
ये ऑर्डर है, इनको एसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। रैंक को किस ऑर्डर में सजाना है? एसेंडिंग। एसेंडिंग का मतलब होता है चढ़ावदार क्रम में। तो सबसे छोटी यूनिट, उसके बाद बड़ी यूनिट, उससे बड़ी यूनिट, उससे बड़ी यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट। तो सिस्टमैटिक पोजीशन आप लोग लगातार पढ़ते हो, सिस्टमैटिक पोजीशन चाहे आप लोगों ने पढ़ी हो बॉटनी में, और चाहे सिस्टमैटिक पोजीशन आप लोगों ने पढ़ी हो जूलॉजी में। तो सबसे छोटा ऑर्डर किसका होता है आप बताओ? जीनस, स्पीसीज, स्पीसीज, फैमिली। सबसे पहले जीनस और फैमिली वाले तो काटी दो, स्पीसीज, स्पीसीज सही है। स्पीसीज के बाद जीनस आता है, जीनस आता है सही है। जीनस के बाद ऑर्डर आएगा कि फैमिली आएगा? पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपने कहा स्पीसीज, स्पीसीज, जीनस, जीनस, जीनस के बाद ऑर्डर आएगा या जीनस के बाद फैमिली आएगी? पहले ऑर्डर आएगा, बाद में फैमिली आएगी। देन आंसर इज गोज टू सी। आपने कहा इस सवाल का आंसर क्या करोगे बताइए दोस्तों, जल्दी से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं फटाफट करेंगे करेक्ट आंसर। और आपने कहा आंसर कर दिया इस क्वेश्चन का, कितने साथी थे जिन लोगों ने कर दिया आंसर? नहीं नहीं कुछ गड़बड़ हुआ, आपने कहा गड़बड़ इसमें ये हुआ, इसमें गड़बड़ हुआ। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, इसके बाद ऑर्डर के बाद आप जाते हो किसमें? आपने कहा फाइला। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, हाँ जी बिल्कुल ममता, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, सीरीज, क्लास, डिवीजन, किंगडम, वेल डन। आपने कहा बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द। कल एक सवाल और ऐसे ही कुछ हमारे बच्चों ने बताया था मुझे, बाद में स्क्रीनशॉट आया था, वो टमाटर और बैगन वाली वो सब्जियों में जो परसिस्टेंट कैलिक्स इन होल लाइफ, मतलब थ्रू आउट लाइफ, परसिस्टेंट कैलिक्स इन थ्रू आउट लाइफ, वो शायद मैंने कल के प्रैक्टिस में आप लोगों को कंपोजिटी बता दिया था, जबकि वो सोलेनेसी था। जैसे बैगन में, टमाटर में, इनमें क्या कहते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स थ्रू आउट लाइफ होता है, उसी प्रकार से। तो उसको मैंने कहा चलो आज की प्रैक्टिस में आप लोगों को सही करा देंगे, करेक्ट करा देंगे। हाँ उसका सोलेनेसी था, यस सर उसमें सोलेनेसी था, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे बाद में स्क्रीनशॉट भेजा था, तो सोलेनेसी करेक्ट आंसर होगा। उसमें शायद कंपोजिटी बता दिए थे कल फ्लो में, हो जाता कभी कभी एक दो सवाल फ्लो में कुछ भी चला जाता है, टिक कुछ करने को होते हैं टिक कुछ हो जाता है। तो खैर एपीएससी इज द न्यू नेम ऑफ एपीएससी फैमिली, किसका नया नाम है? अच्छा ये बताओ एपीएससी या आपने का ग्रैमिनी को पोएसी, या आपने का जैसे कंपोजिटिव को आपने एस्ट्रेसी, ऐसे कुछ फैमिली के नाम बता रहे। तो ये न्यू नेम चेंज हुए, ये चेंज क्यों किए गए? इन सभी में बाद में आपने का कॉमन नेम लगाया गया एसी। तो ये जो एसी इज द कंपोजिटी का है, ग्लूटिफेरी का है, एम्बेलीफेरी का है, नन ऑफ दीज। एपीएससी फैमिली इज द कर, आपसे पूछा न्यू नेम ऑफ विच फैमिली, तो किसका होगा? अंबेली फेरी। बहुत अच्छा अंबेली फेरी। आज तो हमारे में भाई चैट पूरा हाइड हो जा रहा है, आप लोग इतना जल्दी जल्दी आंसर कर दे रहे हो, चैट हमारा फोन ही है मतलब हाइड कर दे रहा है चैट। बहुत अच्छा आपने कहा अंबेली फेरी इज द करेक्ट आंसर। कंपोजिटी को एस्ट्रेसी कहते हैं, ग्रैमिनी को पोएसी कहते हैं, और अंबेली फेरी को आपने कहा क्या कहते हैं? एपीएससी कहते हैं। बहुत अच्छा। और आपने कहा ग्लूटेरिसी को क्लूसीसी कहते हैं, बेल्डन, दनिया वाली फैमिली। बहुत अच्छा, नमस्ते आदित्य, बहुत लेट आए हो। द न्यू नेम ऑफ ग्रैमिनी, ग्रैमिनी मतलब मैंने अभी बताया था, ग्रैमिनी मतलब आपने का जो घास परिवार होता है उसका नया नाम क्या? एस्ट्रेसी, पोएसी या सिप्रेसी या आपने का क्लॉसिएसी, बताइए। द न्यू नेम ऑफ ग्रैमिनी, इसे क्या कहते हो? पोएसी। पोएसी बोले तो गेहूं, मक्का, चावल, इन सभी फैमिली को पोएसी। उड़ाते रहो, क्या बात है, उड़ाते रहो सवाल फटाफट, वेल डन। इफ द बॉटेनिकल नेम एंड एपिथेट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, व्हाट इज द डन? यहां पे ये कह रहा है सवाल में, बड़ा ध्यान से समझना, ये सवाल इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको मैं कह दे रहा हूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट क्वेश्चन। मैंने कहा इफ द बॉटेनिकल नेम एंड एपिथेट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कोई भी एपिथेट हो, जैसे या तो आपने कहा जेनेरिक नेम हो या स्पीसीज नेम हो, इनमें अगर टू वर्ड्स हैं तो फिर उसमें हम क्या करेंगे? आपने कहा वन वर्ड इज ओबलाइज्ड, एक वर्ड को हम ओबलाइज्ड कर देंगे, तिरछा कर देंगे, कॉमा इज इंसर्टेड, कॉमा लगा देंगे, हाइफन लगा देंगे, या नथिंग इज डन। एक नाम बताओ गुड़हल का बॉटेनिकल नेम, लिख के बताओ गुड़हल का बॉटेनिकल नेम बताओ। तो गुड़हल को आप कैसे लिखते हो? हिबिस्कस,
कैसे लिखते हो? आपने कहा हिबिस्कस रोजा, हिबिस्कस अगर सही लिखोगे तो स्मॉल आर बनाओगे, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, यही लिखते हो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो आपने जब हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस लिखा तो हिबिस्कस तो ठीक है, लेकिन जो रोजा साइनेंसिस है इनके बीच में क्या लगाया? हाइफन। इनके बीच में किसका प्रयोग किया? हाइनम। जैसे मेथी का बोटेनिकल नेम बताओ, मेथी, मेथी को क्या कहते हैं? आपने कहा मेथी को क्या कहते हैं? ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम। मेथी को लिख के बताओ, आपने कहा ट्राइगोनेला, यहां पर तो नहीं होगा, ट्राइगोनेला और फिनम ग्रीकम कुछ इस प्रकार से लिखते हो। तो देख रहे हो ट्राइगोनेला तो ठीक है, लेकिन फिनम और ग्रीकम के बीच में क्या लगाया? हाइफन। तो जब कोई दो नम दो वर्ड आ जाते हैं एपिथेट में तो इनके बीच में किसका प्रयोग करते हैं? हाइफन का प्रयोग करते हैं। यह सवाल कभी जीवन में नहीं भूलिएगा और बहुत इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस बहुत अच्छा है। एचएल फिनम ग्रीकम, इसका पूरा नाम है ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम। ममता प्रजापति वेल डन, रुचि बहुत अच्छा। सर क्या करें, 9 बजे से पहले खाना कंप्लीट होता है, बाद में देख लूंगा। नहीं नहीं, लगातार बैठकर देखो, कहीं नहीं जाने वाले हो। आशीष कुमार गुप्ता भी आ गए हैं। आशीष कुमार गुप्ता, आपने स्लैश लगाया, स्लैश नहीं, इनमें हाइफन लगेगा, ध्यान रखना, हाइफंड लगता है, स्लैश नहीं। आपने द स्पेसिफिक, देखो यहां पर लिखा गया द स्पेसिमेन इज द एलिमेंट डिजिग्नेटेड बाय द ऑथर ऑफ द नोमेनक्लेचर इस टाइप। आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वेरी नहीं बोलेंगे, इसको 300 करोड़ बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंस मैंने लिख दिया। इस सवाल को जितना स्टार कह दो उतना कम है, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों कहा मैंने वेरी वेरी, 5 स्टार दिया। आपने द स्पेसिमेन और एलिमेंट डिजिग्नेटेड बाई द ऑथर नोमेनक्लेचर इस टाइप ऑफ, जब ऑथर ने लेखक द्वारा नामांकित प्रकार से रूप नामित नमूना तत्व कहलाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? होलोटाइप, आइसोटाइप, लैक्टोटाइप या नियोटाइप। प्लांट ने, आपने का जब भी कोई प्लांट, जब भी कोई ऑथर आपने का कंप्लीट उसका नोमेनक्लेचर करता है तो उस नोमेनक्लेचर को जो ऑथर के द्वारा डिजाइन किया होता है उसे होलोटाइप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? होलोटाइप। सेम टाइम पर, जब सेम टाइम पर दो नोमेनक्लेचर हो जाते हैं तो एक उसकी जो कॉपी होती है उसे हम क्या कह देते हैं? आइसोटाइप कहते हैं। तो यहां पर आइसोटाइप नहीं होगा, ऑथर के द्वारा वही नाम दिया गया तो आपने कहा होलोटाइप। अगर सेम टाइम पर दो नाम दिए जाते तो आइसोटाइप, और आपने कहा लैक्टोटाइप कुछ मिसिंग हो जाए तो उसे मिसिंग होने को क्या कहते हैं? यहां पर क्या हो जाती है? मिसिंग। तो मिसिंग नेम आपने कहा लैक्टोटाइप, और नियोटाइप मिसिंग को अगर हम फिर से नया नाम दे दें तो आपने कहा उसे हम क्या कह देते हैं? नियोटाइप। तो ये तीनों की, ये चारों के चारों टर्म सभी लोग एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, इसमें से सवाल गलत नहीं होने देना। हर बार बॉटनी में यहां से एग्जाम में टैक्सोनॉमी से सवाल आता है, फिर से दोहरा दूं, चाहे वर्ष 2016 की परीक्षा हुई हो, चाहे वर्ष 2021 की परीक्षा हुई हो, 21 की हुई हो, 16 की हुई हो, इससे पहले वर्ष 2013 की परीक्षा हुई हो, 2013 की हुई हो, मतलब सारी परीक्षाओं में यहां से सवाल आया, होलोटाइप, आइसोटाइप, ल्यूकोटाइप, नियोटाइप, है ना, यहां से आपने का सारे के सारे क्वेश्चन आने ही आने थे। तो आप सभी बच्चों की यहां पर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो भाई अगला सवाल आपके, व्हेन आपने का होल टाइप मिसिंग स्पेसिमेन इज नोन एज लैक्टोटाइप। बिल्कुल, आपने का जब मिसिंग स्पेसिमेन हो जाएगा तो लैक्टोटाइप, और आपने का जब मिसिंग को हम न्यू कर देंगे तो उसको नियोटाइप हो जाएगा। बहुत अच्छा निकिता गुप्ता, वेल डन। सेम बाय द ऑथर इज द होलोटाइप, बहुत अच्छा ममता, वेल डन। मतलब ये सवाल फिर से दोहरा दूं कि भाई इसमें से सवाल गलत जो करके आएगा वो सिलेक्शन से बाहर होगा। फिर से मैं कह दूं, ये सरल सवाल है, इनमें कोई बच्चा कतई कंफ्यूजन ना करना, इनमें से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आएगा ही आएगा, बिना इसके कभी पेपर बनता ही नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, द करेक्ट नेम ऑफ फिनम ग्रीकम। अब फिनम ग्रीकम बोले तो मेथी, अब पूछा गया कि मेथी का सही नाम बताइए, मेथी का सही नाम बताइए, बताओ ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम सही है क्या? ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम सही है क्या? ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रेरियम सही है क्या? ना ना बताया, अब बता दो इसमें से कौन सा सही है। अब तो आप लोग फटाफट बता दोगे मेथी का करेक्ट नेम कौन सा है।
ए कोमल भार्गव, प्रतिभा ममता, सुषमा आदित्य और साकिब हसन रजिया, अंजू भारद्वाज, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, एच एल वर्मा, पूजा राधा, वंदना, स्वाति शुक्ला, सुधाकर प्रजापति, दिव्यांशी, शिवम सिंह भदौरिया, निकिता गुप्ता, उसके साथ साथ राम महेश, मंजू, प्रिया प्रिया, सारे के सारे साथी, ट्राइगोनेला फीनम ग्रीकम इज द करेक्ट आंसर ए, और सभी लोगों ने सही आंसर दिया। व्हेन द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज ब्रांच्ड इट इज, लिखा गया आपने कहा व्हेन द इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज ब्रांच्ड इट इज, जब इन्फ्लोरेसेंस की एक्सिस पर अगर ब्रांच हो जाती है तो उसे हम कहते हैं आपने कहा हेड या साइमोस या अंबल या पेनिकल। When the inflorescence axis is a, आपने का कैसा होता है ब्रांच जो होता है तो उसे क्या कहते हैं बताओ, हेड होगा, साइमोज होगा, अंबल होगा। अब आप सभी को पता है जैसे एक ही एक्सिस से, एक ही बिंदु से इसमें बहुत सारे क्या निकले इन्फ्लोरेसेंस निकलते हैं, एक ही बिंदु से निकलते हैं तो दैट टाइप स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, छाता की तरह संरचना है, दैट टाइप स्ट्रक्चर इज नोन एज, सरजी प्रणाम, नंदरी आशीर्वाद। आपने कहा सी अंबल टाइप इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड दैट, छाता की नुमा संरचना को क्या कहते हो अंबल टाइप, धनाधन आंसर कर रहे हो, क्या बात है, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फ्लोरल फार्मूला रिप्रेजेंट्स, फ्लोरल फार्मूला क्या भाई, पुष्प क्रम से इस बार बहुत सवाल आते हैं, फिर से दोहरा दूं, फ्लोरल फार्मूला से, फ्लोरल डायग्राम से, यहां से क्वेश्चन यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड माध्यमिक जीआईसी झारखंड सभी जगह क्वेश्चन बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, 19 फैमिली मैंने पढ़ाई है आप लोगों को बाटनी में, धुआंधार तरीके से सारे बच्चों को फैमिली पढ़ा रखे हैं, तो जितना फ्लोरल फार्मूला फ्लोरल डायग्राम आपको पढ़ाया गया, सारा का सारा डायग्राम सारा का सारा फार्मूला याद कर लीजिएगा। और वो होता क्या है, सिमेट्री ऑफ फ्लावर, फ्लावर की सिमेट्री होती है क्या, या आपने का पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन होती है टॉप पे होगा कि लैटरल होगा, आपने का नोटेशन ऑफ फ्लावर करेक्टर्स, तो आपने का या फंक्शन ऑफ फ्लावर, भाई सारे के सारे फ्लावर करेक्टर्स को नोटेड करता है, तो फ्लोरल फार्मूला इज द नोटेशन ऑफ फ्लोरल करेक्टर्स, आपने का सी इज द करेक्ट आंसर। और कितने लोगों ने, कितने दोस्तों ने इसका करेक्ट आंसर किया, नोटेशन ऑफ फ्लोरल करेक्टर इज द करेक्ट आंसर, आशीष कुमार गुप्ता, रुचि पटेल, प्रीति चौधरी, कोमल भार्गव, सीमा यादव और गीतांजलि गंगवार, उसके साथ साथ साकिब हसन रजिया, शिवम सिंह भदौरिया, रिग्या तिवारी, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। अनग्यूलिकुलेटेड पेटल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द, अब बताओ आपने कहा अनग्यूलिकुलेटेड पेटल्स आर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विस फैमिली, कंपोजिटी, लिलियसी, क्रूसीफेरी, लेविएटी, ऐसे पेटल्स जो आपने का हार्ड होते हैं यूनिवर्सल सर्वाइव होते हैं, आपने का पेटल्स आर यूनिवर्सल, ऐसे पेटल्स जो कैसे होते हैं यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल पेटल्स को हम क्या कह देते हैं आपने का दिस टाइप ऑफ पेटल्स, ये थोड़े से थिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, सर्वाइव होते हैं, अडेप्टेड होते हैं, इन पेटल्स को हम क्या कह देते हैं बताओ, आपने का अनग्यूकुलेटेड पेटल्स आर फाउंड इन, ये किस में पाए जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा तुलसी का पौधा होता है ऑस्मियम, ऑस्मियम का पेटल्स थिक और यूनिवर्सल होता है, तो आप इसका लेविएटी करेंगे, करेक्ट आंसर डी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। और कितने दोस्तों ने, कितने साथियों ने इसका सही आंसर किया, ऑस्मियम दीदी की बारात हॉली हुक से लव लव करती हुई जाएगी, बिल्कुल। हर्बेरियम इज, हर्बेरियम किसे कहते हो, आपने का कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, कलेक्शन ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट्स, ऑफ द हर्बेरियम, हर्बेरियम किसे कहते हो, वनस्पति संग्रहालय, जब ध्यान रखना वनस्पति संग्रहालय, कितने लोग इस सवाल को सही करते हैं जरा देखता हूं, कितने लोग इस सवाल को गलत करते हैं, कलेक्शन ऑफ प्लांट, राधा वर्मा, कलेक्शन ऑफ प्लांट, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, ओनली प्लांट्स या बोथ, ओनली प्लांट्स या बोथ, क्या बात है, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर, कलेक्शन ऑफ ओनली प्लांट्स, आपने मेज बनाना इन्फ्लोरेसेंस इज, बनाना और मेज का इन्फ्लोरेसेंस मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बता दो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनाना बनाना में और बनाना में मक्का में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कौन सा होता है, स्पैडिक्स, स्पाइक, कैटकिन या कोरिम, तो ध्यान रखना इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है मक्का में, अगर हम मक्का का इन्फ्लोरेसेंस दिखा दें तो बेटा इसमें एक, इसमें एक इस प्रकार से, इसमें एक इस प्रकार से
इसमें एक इस प्रकार से रीजन होता है, और ये जो रीजन होता है ये जो रीजन होता है ये, इस रीजन को हम क्या कह देते बताइए, इस टाइप के इन्फ्लोसेंस को क्या कहते हैं, स्टैडिक्स। मक्का में और मक्का के साथ साथ बनाना में स्पैडिक्स इन्फ्लोसेंस प्रेजेंट होता है, बनाना मक्का स्पैडिक्स। बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। व्हेन आपने का पेडिसिलेटेड बाइसेक्सुअल फ्लावर आर बोर्न एक्रोपिटेली, पेडिसिलेटेड बाइसेक्सुअल फ्लावर, पेडिसिलेटेड आपने का ऐसा फ्लावर, इसका मतलब उसमें क्या हो, पेडिसल, और कैसा हो, एक्रोपिटल, पेडिसिलेटेड एक्रोपिटल, पेडिसिलेटेड एक्रोपिटल, इस टाइप के होंगे। आपने का वेन पेडिसिलेटेड बाइसेक्सुअल यानी दोनों के दोनों नरमादा है, देन आपने स्पाइक रेसिम स्पाइकलेट हेड, तो भाई ये रेसिम होता है, रेसिम ऑफ किसमें, आपने का क्रूसीफर में, रेसिम ऑफ क्रूसीफर में अगर बात करते हैं तो एक्रोपिटल इन्फ्लोसेंस इज फाउंड इन द पेडिसिलेटेड बाइसेक्सुअल फ्लावर इन द रेसिम। क्या बात है, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर, वेल डन वेल डन वेल डन, रेसिम, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन। प्रीति, एनिमल्स की पिक जो की है जो पेस्ट कर देंगे, अच्छा ये कुछ लिखी थी क्या, मैं ध्यान नहीं दे पाया था। एपिगाइनस कंडीशन इज वेयर, एपिगाइनस कंडीशन कहां पाया जाता है, ओवरी इज इंफीरियर, ओवरी इज सुपीरियर, ऑब्लिक प्लेस्ड इन ओवरी, ओवरी हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर। देखो भाई जब भी नाम आ जाता है कौन सा, एपिगाइनस, एपिगाइनस यानी गाय के ऊपर, एपिगाइनस हाइपोगाइनस, जब गाइनस शब्द ध्यान रखना, गाइनस का मतलब होता है ओवरी, गाइनस का मतलब गाय, गाय का मतलब ओवरी। अब गाय के ऊपर अगर फ्लोरल पार्ट से आपने कहा, अगर कहा जाए कि इसमें ओ एपिगाइनस 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 ओवरी इज सुपीरियर या ओवरी इज इंफीरियर, तो आपने कहा एपिगाइनस, एपिगाइनस का मतलब जो ओवरी है इसके ऊपर सारे फ्लोरल पार्ट से, फ्लोरल पार्ट प्रेजेंट अप द ओवरी, तो ओवरी नीचे साइड होगी तो ओवरी इज इंफीरियर, एपिगाइनस कंडीशन में ओवरी इंफीरियर होती है, हाइपोगाइनस कंडीशन में ओवरी सुपीरियर होती है, ओवरी इंफीरियर, ओवरी इंफीरियर, ओवरी इंफीरियर। ग्वावा एंड पियर, निकिता वेल डन, ओवरी इंफीरियर, बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत अच्छा, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। आपने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनरा प्लांटेरम कितनी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बास पब्लिश्ड बाय, बताइए जेनरा प्लांटेरम बास पब्लिश्ड बाय किसने दिया था, जॉन रे, बेंथम एंड हुकर, हचिंसन या वेसे, हु पब्लिश्ड द बुक जेनरा प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम बास गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, ध्यान रखना बेंथम एंड हुकर, ओवरी इज इंफीरियर, नंदिनी लिखी है ओवरी इन इंफॉर्मेशन, ये तो एक अलग मोड पे जा रही है ना, इसका तो दूसरा ही मोड रहता है, सौम्यता शुक्ला। चलिए कोरोला इज इन्फंडुबुलम, बताइए इन्फंडुबुलम सोलेनेसी, ट्रिक याद है ना, लिगलेट करोला कंपोजिटी, लिगलेट करोला कंपोजिटी और इन्फंडुबुलम सोलेनेसी कहीं है क्या, आपने कहा पिटोलिना सोनेरेसिया या पी या सोलेनम या सनफ्लावर, अच्छा एग्जाम्पल पूछे गए तो बताओ कौन सा होगा, लिगुलेट करोला कंपोजिटी कैंपनुलेट कुकुरबिटेसी इन्फंडुबुली सोलेनेसी, लिगुलेट करोला कंपोजिटी कैंपनुलेट कुकुरबिटेसी इन्फंडुबुली सोलेनेसी, और इन्फंडुबुली सोलेनेसी सोलेनेसी में क्या आता है, पेटोरिना पिटोनिया। आदित्य प्रीति, हाँ देखो समास रेशम सिंह भदौरिया, बिल्कुल, हाय राम नंदिनी तुम तो अर्थ का अनर्थ कर देती हो, हाँ ये अर्थ का अनर्थ कर देती है, चलो भाई बिल्कुल 70 का ए, आपने का लिगलेट करोला कंपोजिटी कैंपनुलेट कुकुरबिटेसी इन्फंडुबुली सोलेनेसी है ना, क्रूसीफॉर्म बेसिकेसी, सारे के सारे याद रखना, ठीक याद रखना, कभी जीवन में सवाल गलत नहीं होगा, चलो ये भी मजे ले रही है। अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा, टैक्सा का अरेंजमेंट होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक्स हायरार्की या की ऑफ टैक्सा, टैक्सा के अरेंजमेंट को क्या कहते हो, बताओ कितना महत्वपूर्ण सवाल है, 2021 के पेपर में पूछा गया था, अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन
सिस्टमैटिक्स हायरार्की ऑफ टैक्सा अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा आपने इसे किसे कहते हो बताओ हु वाज गिवन द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ द आपने कहा जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था एक क्वेश्चन पूछा ममता ने और जल्दी से की गिवन बाई जॉन रे हाँ की गिवन बाई जॉन रे हायरार्की किसने कर दिया सिस्टमैटिक लीनियस हायरार्की आप करेक्ट आंसर कर रहे हो हायरार्की वेल डन ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन चलो भाई जॉन रे ग्लूम्स आर द मॉडिफाइड अरे भाई कितना महत्वपूर्ण है आपको पता है क्या ये सवाल कि आपको पता है ये किस में पाया जाता है कौन सी फैमिली में होता है फैमिली बताइएगा जरा ग्लूम आज अमृता नहीं आई पता नहीं कहां चली गई ग्लूम क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से फैमिली रट के बैठी हुई है इसको बहुत अच्छे से सारी चीजें याद है फैमिली मैंने पूछा था ग्लूम्स आर मॉडिफाइड ऑफ सेपल्स पेटल्स ब्रैक्ट एंड एंड्रोथेसियम कौन सी फैमिली में ग्लूम्स बनते हैं ये भी बताना है ग्लूम ग्रैमिनी निकिता वेल्डन ग्लूम ग्रैमिनी व्रैक्ट्स ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर ग्लूम आपने कहा ग्लूम्स आर किसमें ग्रैमिनी फैमिली में और ये किसमें बनते हैं ब्रैक्ट में बनते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन साइन एंड्रियम इज द फ्यूजन ऑफ देखो मैंने आपको बताया था जब एंथर और फिलामेंट मिलकर एक बंडल बनाते हैं मोनोडेल्फस दो बंडल बनाते हैं डाइडेल्फस बहुत सारे बंडल बनाते हैं पॉलीडेल्फस आपने कहा फ्यूज हो जाते हैं तो साइनेंड्रस और आपने कहा सिंजनेसियस कैंप लगाई कंपोजिटी फैमिली में तो बताओ अब आपसे पूछा जाता है कि साइनेंड्रियम इज द फ्यूजन आप किसके किसके फ्यूजन होने से बनते हैं ओनली एंथर ओनली फिलामेंट बोथ एंथर एंड फिलामेंट इज द करेक्ट आंसर आपने कहा साइनेंड्रस कंडीशन इज फाउंड इन जब साइनेंड्रियम कंडीशन ऑफ फ्यूजन ऑफ फिलामेंट एंटर वोट सालू शुक्ला लेट हो गया वेरी गुड इवनिंग हाँ बिल्कुल आदित्य ग्रैमिनी फैमिली में ग्लूम बनते हैं साइनेंड्रस बोथ एंटर एंड फिलामेंट आर फ्यूज्ड बोथ एंटर एंड फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड चलो भाई आप लोगों को कुछ डायलॉग सुनाता हूँ आप लोगों को डायलॉग बोले तो कुछ मोटिवेट करता हूं देखिए एक सेंटेंस कहा गया है दयालु बनो कमजोर नहीं ज्ञानी बनो अहंकारी नहीं ज्ञान होना चाहिए लेकिन अहंकार नहीं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए क्योंकि किस्मत बदले ना बदले समय जरूर बदलता है इसलिए जीतने का हमेशा जज्बा रखना है एनिमोफिलस फ्लावर स्टिग्मा एनिमोफिलस फ्लावर इसका मतलब कैसे परागण हो गए एनिमोफिलस आपने का पॉलिनेशन बाई एयर तो इनके स्टिग्मा कैसे होंगे स्मॉल स्टिकी हेयरी स्मूथ हवा के द्वारा आने वाले परागकणों का जो स्टिग्मा होगा जो आपने का स्टिग्मा होगा बताइए जो स्टिग्मा होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा स्टिग्मा कैसे होगा कुछ इस प्रकार से होगा अरे यार जैसे अपने हाथ है ना हाथ का ऐसे फैला लो तो परागकण ऐसे उड़ते हुए आएंगे यहाँ टकराएंगे टकरा के यहाँ पे स्टकी सबस्टेंस लगा होता टकरा के गिरेंगे और आपने का कंडक्ट हो जाएंगे नीचे तो बताओ इनका स्टिग्मा कैसा होगा स्मॉल होगा क्या छोटा तो होगा स्टकी होगा क्या स्टकी तो ये रीजन होगा लेकिन हेयरी होगा आपने का हेयरी का मतलब आपने का हवा के द्वारा उड़ने वाले ये फेदरी हेयरी स्टिग्मा प्रेजेंट होता है स्टकी तो ये रीजन होता है जहां पे टकराए और चिपक के नीचे गिर के और आपने का कंडक्ट हो जाते अंदर की तरफ सब्जी कंप्लीट हो गया मेरा क्या बनाए अब तुम बैठ कर रोटी बना लेना थोड़ी देर बाद हेयरी बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर सी क्लिस्टोगैमस इज फाउंड इन फाइकस कॉमेलिना वैलिसनेरिया वन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर क्लिस्टोगैमस अ फ्लावर विच नेवर ओपन कभी ना खुलने वाले फ्लावर में क्लिस्टोगैमस कंडीशन पाई जाती है एरेकिस हाइपोजिया
पाइकस गुलर। चावल बना लो आदित्य आप, क्योंकि रोटी में टाइम लगता है। हाँ, दाल चावल बना के खा लो। चलिए भाई जल्दी से बताइए। मुकेश कुमार आप भी आ गए हो। क्लिस्टोगेमेसिस कैमेलिना वेंगालेंसिस, आपने कहा कैमेलिना वेंगालेंसिस, और इसको कनकौवा कहते हैं, बनकौवा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कनकौवा या बनकौवा, इसमें ऐसे दो निब होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपिटुलम इस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन, हेड एंड कैपिटुलम इज फाउंड इन इन्फ्लोरेसेंस। हेड एंड कैपिटुलम, आपने कहा हेड एंड कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड कॉसमस, पिटूनिया, ऑस्मियम, या आपने कहा एस्फोडेलस। बताओ फटाफट जल्दी से। कैपिटुलम हेड इज इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन द फैमिली कंपोजिटी, कंपोजिटी फैमिली में, एस्ट्रेसी फैमिली में पाया जाता। एग्जाम्पल क्या होगा कंपोजिटी या एस्ट्रेसी फैमिली का, कॉस्मस इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चंस मैंने कई बार कराए हैं। कॉस्मस, पेल्डन, हेड एंड कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन कंपोजिटी, गुलर में भी होता है, किसने बताया आदित्य, हाँ क्लिस्टोगेमस कंडीशन। हेडेड टाइप कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इन कंपोजिटी, निकिता, वेल्डन, एस्ट्रेसी, आशीष, वेल्डन, एस्ट्रेसी एंड कंपोजिटी। गाइनोस्टीजियम कल कराए थे, इज द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, गाइनोस्टीजियम इज द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, बताओ आपने कहा टेवरी मोंटेना, कैलाट्रोपिस सोलेनम, या एम्ब्रोसा, एम्ब्रोसिया, गाइनोस्टीजियम। अब बताओ आपने कहा गाइनोस्टीजियम इज द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मदार, किसमें पाई जाती है मदार, और मदार का गुज्जा कुछ इस प्रकार से होता है, मुड़ा रहता है ना मदार, मदार को क्या कहते हो, कैलाट्रोपिस, ओक, अकौवा, मदार, कैलाट्रोपिस, मदार, मदार, ओक, अकौवा, मदार, कैलाट्रोपिस। इन्फ्लोरेसेंस इन अकेसिया, बबूल का पुष्प क्रम कैसा होता है, जो बताएगा वो बहुत ही महान होगा। हेड स्पाइक, स्पाइकलेट हेड या स्पाइकलेट, बताओ बबूल का, बबूल का मतलब, ये तैयारी वाला बच्चा बता पाएगा, सभी तो नहीं बताए भाई। बबूल का इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट इन बबूल, राधा स्पाइक कहती है, स्पाइक प्रभाकर कहते हैं, सुधाकर, आदित्य कहते हैं स्पाइक, 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 स्पाइक। अरे वाह क्या बात है, सारे के सारे बच्चे स्पाइक कह रहे हैं, तो क्या इन्फ्लोरेसेंस अकेसिया अकर्सिस स्पाइक, कोई तो बता दो सही। बबूल, बबूल पैसा वसूल, लेकिन पैसा वसूल हुआ नहीं, बस इतना जान लो। स्पेकल हेड, बहुत अच्छा, वेल्डन, कोमल भार्गव, निकिता गुप्ता, दीपाली तिवारी, एच एल वर्मा, राधा वर्मा, राम महेश, कुछ लोग आए हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिए, वेल्डन। गीतांजलि का गलत है, शिवम सिंह भदौरिया, आपने कहा स्पाइकल हेड इज फाउंड इन अकेसिया, अकेसिया में स्पाइकल हेड होते हैं, ध्यान रखना। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी की बेसिक यूनिट क्या है, स्पीशीज, जीनस, किंगडम, नन ऑफ द अबव। द बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, ये तो सवाल आसान है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, आसान है बट महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी एंड इंपॉर्टेंस। हाँ पैसा वसूल हो गया, बिल्कुल निकिता वसूल हो गया। स्पीसीज, स्पीसीज टर्म किसने दिया था, लिख के बताओ जरा, स्पीसीज टर्म किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्कुआ डेवलप इन, अब सिल्कुआ डेवलप होता है मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम, वाई कार्पेलरी गाइनोसियम, पॉली कार्पेलरी गाइनोसियम, या थैलमस, बताओ। सिल्कुआ डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ, जॉन रे, जॉन रे, द टर्म स्पीसीज वाज कॉइंड बाय जॉन रे,
वेल डन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ाइए फटाफट। सिल्कुआ फ्रूट, सिल्कुआ फ्रूट किस में पाया जाता है? सिल्कुआ फ्रूट इज फाउंड इन, आपने कहा क्रूसीफेरी या ब्रैसी केसी, ब्रैसी केसी में अगर पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं सरसों, सरसों के परिवार में अगर पाया जाता है, बताओ भाई आपने कहा सिल्कुआ फ्रूट इज फाउंड इन किस में, ब्रैसी केसी, अगर ये ब्रैसी केसी में पाया जाता है, बताइए ब्रैसी केसी में पाया जाता है, तो आपने कहा सरसों के परिवार में पाया जाता है, तो सरसों के परिवार में बाई कार्पेलरी ओवरी होती है, बाई कार्पेल होते हैं, दो कार्पेल इसमें पाए जाते हैं, देन बाई कार्पेलरी मस्टर्ड मोनो, आशीष क्या बात कर रहे यार, मोनो कैटपेलरी नहीं भाई, बाई कार्पेलरी होगा, मस्टर्ड होगा, बाई कार्पेलरी ओवरी, लाइना लीनियस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, लीनियस ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था, सेक्सुअल, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी, टाइप्स ऑफ स्टेम, नंबर ऑफ स्टेमेन एंड अदर सेक्सुअल स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, लीनियस क्लासिफिकेशन गिवन बाय ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर बताओ, प्लांट मॉर्फोलॉजी नहीं, प्लांट टाइप ऑफ स्टेम, स्टेम के टाइप, नंबर ऑफ सेपल पेटल नहीं, नंबर ऑफ स्टेमेन एंड सेक्सुअल स्ट्रक्चर, सी। पूजा चतुर्वेदी मैं जा रही हूं सर खाना बनाने, डेली सर ऐप के लिए क्लास ही ले पाती हूं। ठीक है, पढ़ते रहो बेटा, और आपको जब भी टाइम मिला करे तब आप अपना धुआंधार तरीके से क्लासेस पढ़ते रहिए। प्रैक्टिस भी करते रहा करो और ऐप भी करते रहा करो। स्टाइलोपोडियम इज फाउंड इन, स्टाइलोपोडियम कल बताए थे ना, स्टाइलोपोडियम कल बना के दिखाए थे आपको, याद है ना चित्र, बताओ जल्दी से फटाफट, ये फेनिकुलम होता है, कुकमिस होता है, लेथायरस ओडेट्रस होता है या ट्रिटिकम होता है, बताइए, आपने कहा स्टाइलोपोडियम, हाँ देखो निकिता कहती है पूजा जब टाइम मिले तब पढ़ लिया करो, परेशान नहीं रहा करो भाई, रात में पढ़ लो यार, पूरे दिन में पढ़ लो, जब वक्त मिले तब पढ़ लो, कम सो लो, क्योंकि अगर सीधे आपको करनी है तो फिर आपको पढ़ना तो पड़ेगा, वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने कहा धनिया मेथी में होता है, मेनली किस में होता है, धनिया, धनिया। लार्जेस्ट पेटल इन पैपलियो, अच्छा देखो कितना महत्वपूर्ण सवाल है यार, लार्जेस्ट पेटल इन पैप्लियोनेसियस कोरोला इज कॉल्ड, पैप्लियोनेसियस जो करेला होते हैं, करोला होते हैं, इन करोला में सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, कुछ इस प्रकार से बनता है, आप लोगों ने देखा होगा इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर, इसका कुछ इस प्रकार से बनता है स्ट्रक्चर, बताओ लार्जेस्ट करोला कौन सा है, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है, फाइव करोला होते हैं, ये सेम स्ट्रक्चर बनता है, वो बताओ, ईल है, वैक्सिलम है, कील है, कील करोना किसमें पाए जाते हैं, पैपलियोनेस में, और सबसे आपने का लार्जेस्ट कौन सा है, तो वैक्सिलम इज द लार्जेस्ट करोला इज फाउंड इन, वैक्सिलम। सर नींद बहुत आती है आजकल, सर क्या करूं, स्टडी नहीं हो पाती है, अरे भाई फिर से मैं कह दूं, कितना भी नींद आए अगर सोगे नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब मैं बोलने तो बहुत बड़ी बात जाने वाला था लेकिन बोला नहीं, अगर कोई व्यक्ति दो घंटे सोएगा, चार घंटे का सोएगा, मेरा अनुभव है कुछ नहीं बिगड़ेगा आपके शरीर का, बस पढ़ते जाओ, इतनी गर्मी में, जून की गर्मी में आपको नींद कैसे आ सकती है, या तो सुविधाएं ज्यादा है, अगर सुविधाएं ज्यादा है तो सुविधाओं को कम करो, विद्यार्थी जीवन में सुविधाएं कम होनी चाहिए, अगर सुविधाएं ज्यादा है तभी नींद ज्यादा आती है, सुविधाएं कम करिए नींद भाग जाएगी। बिल्कुल मैंने कहा
फैसिलिटीज कम करिए, नींद आ ही नहीं सकती, इतनी गर्मी में नींद कैसे आ सकती है। चलो आंसर क्या किए, बी वैक्सीनम। सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन अगर बात करेंगे, सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, बताइए सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन ये किसमें पाया जाती है। सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन बताओ, आपने बिथानिया में, यक्का में, हिबिस्कस में, निम्फिया में, वाटर लिली किसमें पाई जाती है, वाटर लिली, और वाटर लिली को क्या कहते हो, निम्फिया। हाँ सर, सुविधा तो ज्यादा मिल रही है, बिल्कुल, फिर से मैंने कहा, ममता कहती है सर मैं कम सोती हूं, मुझे टाइफाइड हो जाता है, कुछ नहीं होगा। स्नेहा वर्मा, धनिया, फिर सुबह नींद आती है। अच्छा नेत्रपाल, सुबह नींद आती है, सोचो जब सुबह मौसम इतना अच्छा होता, सुबह इतनी बढ़िया नींद आती है, तो सुबह पढ़ लोगे तो जीवन में कभी भूलोगे नहीं यार, आप कभी प्रकृति के साथ भूलते नहीं हो, नेचर को पहचानो, प्रकृति को पहचानो। जब सुबह आपको सोना अच्छा लगता है तो सुबह अगर उठ के पढ़ लोगे तो दिमाग में छप जाएगा, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। द वर्ल्ड एंडिंग विद ओईडी, आपने इंडिकेट क्लास ऑर्डर सब फैमिली जेनरा, ऐसा वर्ड जो एंड होता किससे, आपने कहा ओईडी से, द वर्ल्ड एंडिंग विद ओईडी इंडिकेट द क्लास ऑर्डर सब फैमिली जेनरा, किसको इंडिकेट करता है, ओईडी है, तो बताओ क्लास को, फैमिली को, ऑर्डर को, सब फैमिली को, तो आपने कहा सब फैमिली को ओईडी डिनोट करता है। एल्स होंगे तो ऑर्डर्स होंगे, क्लास होंगे, आपने कहा जेनरा या सब फैमिली, सब फैमिली को डिनोट क्या करता, ओईडी, ध्यान रखिएगा। सुपरफिशियल इनफ्लोरेसेंस इज फाउंड इन निम्फिया, हाँ सब फैमिली, ओईडी सब फैमिली। चलो कुसुम इज ऑब्टेंड फ्रॉम द प्लांट बिलोंग टू द फैमिली, आपने कहा कुसुम मिलता है, बताओ कितना इंपॉर्टेंस है। मैंने कहा था आप लोगों को जब पढ़ाया था कि किस फैमिली से कुसुम प्राप्त होता है, सोलनेसी, कुकुरबिटेसी, एस्ट्रेसी, मालवेसी, कुसुम इज ऑब्टेंड फ्रॉम द प्लांट बिलोंग टू द फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है कुसुम। हो गया निकिता, आगे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंजू भारद्वाज, भारद्वाज सर आपकी ये क्लास डेली करवाते हैं लाइव इस टाइम पर, आज मेरा पहला क्लास है आपका लाइव। अंजू भारद्वाज, भारद्वाज ये शाम 7 बजे डेली प्रैक्टिस होती है, थ्योरी की क्लासेस राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर होती हैं, तो प्रैक्टिस शाम 7 बजे डेली में इसी समय पे करवाता हूँ, 7 बजे से लेकर 8 बज जाए, 9 बज जाए, जितना बज जाए 50 क्वेश्चन कराता रहता हूँ। और चैप्टर अगर आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है तो राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से कोर्स परचेस करके आप क्लास करना शुरू कर दो, प्रैक्टिस क्लासेस इसी में चलाता हूँ डेली शाम 7 बजे। सी बोले तो एस्ट्रेसी कंपोजिटी, पैपस इज फाउंड इन एस्ट्रेसी लिलियसी क्रूसीफेरी, पैपस इज फाउंड इन विच फैमिली, कितना बार कराया ये सवाल, सोचो कितना महत्वपूर्ण है, पैपस इज फाउंड इन विच फैमिली। प्रतिभा ए कुसुम एस्ट्रेसी, उषा सर डेली सुबह जगती हूँ 4 पर सो जाती हूँ, बहुत नींद आती है सर, बताओ कैसे नींद कम होगी। सेल्फ मोटिवेटेड कम हो, लक्ष्य को दृढ़ संकल्प कम है, लक्ष्य कमजोर है इसीलिए सो जाते हो, दृढ़ संकल्पित हो जाओगे, लक्ष्य मजबूत होगा, कभी नींद नहीं आएगी सवेरे, एक बार बैठ जाओगे आंखें धुलोगे नींद आ ही नहीं सकती, लक्ष्य कमजोर है, दृढ़ संकल्प आपका कमजोर है, संकल्पित हो जाओ, संकल्प को मजबूत करो और खुद एक बार अपने बारे में
थोड़ा सा सवेरे उठकर चिंतन मनन कर लिया करो, हमने जीवन क्यों लिया, हम क्या जीवन भर पढ़ते ही रहेंगे, क्या हमें कुछ और नहीं आगे करना है, कब तक पढ़ोगे, बस एक बार पढ़ोगे सिलेक्शन लोगे, इसी बार लक्ष्य बढ़ाओ। बताइए भाई जितने भी साथी है, आपने कहा एस्ट्रेस, ये सरसों का परिवार कौन बता रहा है, ये सरसों का परिवार कौन बता रहा है, नेत्रपाल सरसों का परिवार नहीं है, व्यक्ति की जरूरत उसे सोने नहीं देती, बहुत अच्छा, वेरी गुड आशीष, वेल डन। जिम्मेदारी, भाई मैंने कहा जिम्मेदारी नींद नहीं आने देती है, तो जिम्मेदारियां जब आपके सर पे होंगी तो आप सो कैसे सकते हो। द बाइनोमियल, देखो कितना महत्वपूर्ण सवाल है, द बाइनोमियल ऑफ सन हेम मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, कितनी बार सवाल परीक्षा में पूछा गया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सन हेम बताइए, एर्थीनिया इंडिका कहते हैं, ग्लाइसिनिया मैक्स सोयाबीन कहते हैं, क्रोटुलेरिया जुंसिया कहते हैं, अरेकिस हाइपोजिया कहते हैं, डलवर्जिया सीसु कहते हैं, सीसम है, अरेकिस हाइपोजिया मूंगफली है, और आपने कहा क्रोटुलेरिया जुंसिया सनहेम कहते हैं, हमारी जान, आपने कहा कर्नल जुंसिया की शान हमारी जान, ठीक याद है ना, कर्नल जुंसिया की शान हमारी जान, कर्नल जुंसिया की शान, आपने कहा क्रोटुलेरिया जुंसिया सनहेम हमारी जान, कर्नल क्या ट्रिक बताए थे, कर्नल जुंसिया की जान हमारी शान, याद है ना, क्रोटुलेरिया जुंसिया, आपको इतना ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें याद कराया हूं जो कभी जीवन में नहीं भूलोगे। हे फीवर, क्या बात है, हे फीवर, हे फीवर, हे फीवर, आपने कहा एलर्जी करता है, क्या करता भाई, एलर्जी कॉज करता है, हे फीवर एलर्जी करता है, और ये जो एलर्जी करता है वो एलर्जी किसके द्वारा होती है, एमरेंथस के द्वारा, पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस के द्वारा, एम्ब्रोसिया के द्वारा, नन ऑफ द अबव। बताइए, हे फीवर इज कॉज्ड बाय, एलर्जी कॉज्ड बाय पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस, एमरेंथस या एम्ब्रोसिया, हे फीवर कॉज ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ, आपने कहा किसके, पॉलन ग्रेन ऑफ एम्ब्रोसिया, इसके पॉलन ग्रेन से एलर्जी कॉज होती है, हे फीवर, और बहुत इंपॉर्टेंस है। दमा किससे होता है, तो पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस से आपने का दमा या अस्थमा हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, दमा, पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस को कांग्रेस ग्रास कहते हैं, कैरेट ग्रास कहते हैं, और इसे दमा हो जाता है, कांग्रेस ग्रास, नहीं 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 नहीं, दमा होता है, अस्थमा होता है पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस से, और आपने कहा एम्ब्रोसिया से, एम्ब्रोसिया से हे फीवर होता है, वेल डन, कोई बात नहीं, कंफ्यूज्ड हो गए, एम्ब्रोसिया से होता है, हो सकता है। सीड्स ऑफ विच प्लांट आर यूज्ड इन ज्वेलर्स वेटिंग पर्पज, अरे जौहरी, जौहरी वजन करता है, रत्ती भर दे देना ये चीज, रत्ती भर, जौहरी का वजन रत्ती के द्वारा करता है, रत्ती का वजन, आपने कहा एक रत्ती बराबर, अगर पूछा जाता है वन रत्ती बराबर, एक रत्ती बराबर कितना होता है, 7.5 ग्रेन्स, ग्राम नहीं ग्रेन्स अनाज, तो एक रत्ती बराबर 7.5 ग्रेन्स, तो वो किसकी बनती है रत्ती, कौन सी फैमिली का प्लांट है, तो आपने कहा एट्रोफा, एवरस, एम्ब्रोसिया, हॉर्स ग्रेन, बताओ एवरस को, आपने कहा एवरस को रत्ती प्लांट कहते हैं, किस फैमिली का मेंबर है, कौन बताएगा, विच फैमिली इज मेंबर, हीरा की परख जौहरी जाने, नेत्रपाल बिल्कुल, हीरा की परख जौहरी जाने, और एक एक विद्यार्थी परख कौन जाने, एक एक विद्यार्थी के परख कौन जाने, बताओ नेत्रपाल, हाँ बिल्कुल, रत्ती बराबर होता है, आपने कहा एक रत्ती बराबर, अरे वाह अमृता आ गई है भाई, तो मैं सोच रहा था आज अमृता गई कहाँ है, एक रत्ती बराबर 7.5 ग्रेन्स एरवस रत्ती को कहते हैं, बहुत अच्छा राधा वर्मा, पेपलियोनेसी फैमिली का है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने बताया राधा, आपने दैट इज द पेपलियोनेसी फैमिली। नेक्स्ट, हॉर्स ग्राम इज, काबुली चना, कुल्थी कह दिया आपने का, काबुली चना,
तुम तो काबुल के घोड़ा वैसे तुम तो काबुल के घोड़ा वैसे मैं कह दूं कि जो काबुली यार काबुल ऐसे लिखा जाता ना, काबुली चना, तो जिसका छोला बनाते हो काबुली चना होता है, तो उसे हॉर्स ग्राम कहते हो। वो सिसर एरिटीन, आपने कहा एरिटीनम है, कजानस कजान है, लेंस कुलिनेरी से, या डॉलिकॉस बाइफ्लोरस है, बताओ कौन सा है काबुली चना? काबुली चना आज ही बनाया था। निकिता कह रही है हमने तो आज ही काबुली चना बनाया था। राम महेश, राजीव सर, टीचर जाने, हाँ आप जाने सर, बिल्कुल नेत्रपाल को पता है ये बात अच्छे से कि कौन जाने है। देखो भाई, लेंस कुलिनेरिस को क्या कहते हो? मसूर कहते हो इसको तो। लेंस कुलिनेरिस को क्या कहते हो? मसूर। लेंटिस कजानस कजान अरहर है, अरहर, अरहर के खेत में पता नहीं कितना अरहर पड़े हो। सिसर ये चना है, ग्रीन ग्राम। और बचा कौन सा? डॉलिकस बाइफ्लोरस, ये काबुली चना है। ये कौन सा चना है? काबुली चना है। लेंटिस लेंस किसे कहते हैं? मसूर को कहते हैं। कजानस अरहर है। डी राधा ने करेक्ट आंसर किया। नेत्रपाल को सब पता रहता है, हाँ इनको सब पता रहता है। मसूर, डॉलिकस, एवरस पेक्टोरियस, एवरस पेक्टोरियस, रत्ती बिलोंग टू द फैमिली। लो आ गया, रत्ती किस फैमिली से बिलोंग करती है? कंपोजिटी पैपिलियोनेसी क्रूसिवेरी ननाबदायाव, बता दो। अभी थोड़ी देर पहले राधा वर्मा ने बताया था, स्नेहा वर्मा, राधा वर्मा, निकिता, सुषमा, किरण सिंह। सुषमा आजकल दिख नहीं रही हो, तुम्हारे कमेंट्स कम आ रहे हैं क्या कमेंट सेशन में, या गुजर जाते हैं जब तक, मतलब मेरी नजर जाती है तब तक कमेंट्स निकल जाते हैं? मुझे डी लग रहा था बट सबका देखकर हम कंफ्यूज हो गए। अच्छा, बहुत पिटाई होगी तुम्हारी अगर सबका देख के कंफ्यूज हो गए तो। अपना कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाएगा आपका, ये बताओ मुझे। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, सबके ऊपर नहीं, खुद के ऊपर भरोसा रखो। जो सबके साथ चलता है, अरे भीड़ में कौन चलता है यार, जो अकेला चलता वही सबसे तेज चलता है, जो अकेला चलता है वही सबसे तेज चलता है। सक्सेस पाने के लिए, आपको सक्सेस पाने के लिए दिन रात लड़ना पड़ेगा, बातों से, रातों से, हर तरह से लड़ना पड़ेगा सक्सेस पाने के लिए। निकोटिन इज ऑब्टेंड फ्रॉम द प्लांट ऑफ फैमिली। निकोटिन किस फैमिली का है? सोलेनेसी, मालवेसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी। निकोटिन बोले तो टोबैको, निकोटिना टोबैकम, विच फैमिली बिलोंग? नहीं सर, डेली आते हैं। अभी तो बताइए सर, मुझे चने का याद आ रहा है। सर मैं पगलेट हूं, बहुत बड़ी वाली पगलेट हो तुम। ए ए ए इज द काबुली चना, डॉलिकस। ये निकिता बैठ बैठ के इसी में कई बार टाइप कर लेती जिससे इसको याद हो जाता है। ये टाइप करती रहती है ऐसे बैठे बैठे, ये ऐसे ऐसे टाइप करती रहती है ऐसे ऐसे बैठ के, है ना। जल्दी से, काबुली चना क्या कहते हैं? अच्छा डॉलिकस कहते हैं। काबुली चना डॉलिकस, काबुली चना डॉलिकस, तो दूसरा आ गया। अच्छा इसको ये कहते हैं, ये ऐसे टाइप करती रहती बैठ के। चलो भाई, सोलेनेसी, आपने कहा फ्लावर इज द कुकुरबिटेसी, इज कुकुरबिटेसी फैमिली का फ्लावर कैसे होता है इसमें बताओ? ओवरी ऊपर होती है कि नीचे होती है कुकुरबिटा में? एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस या कुकुरबिटेसी? कद्दू देखे होंगे आप लोग, कद्दू, अरे कोड़ा, कद्दू 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 कहेंगे तो समझ नहीं पाओगे आप लोग, मुझे पता है। कद्दू नहीं समझ पाओगे, बिलायती कद्दू शायद समझ जाओ। कोड़ा देखे होंगे, कोड़ा। और कोड़ा का जो फ्लावर होता है येलो फ्लावर, वो कुछ इस प्रकार से ऊपर लगा रहता है। कद्दू ये लगा, कद्दू है। लौकी, लौकी भी देखे होंगे आप लोग, खीरा भी देखे होंगे आप लोग, लौकी में भी फ्लावर यहां पे लगा रहता है। बताओ जल्दी से, सर
सर का तकिया कलाम है, निकिता। चलो जल्दी से बताओ। इंफीरियर ओवरी, बताइए जल्दी से। इंफीरियर ओवरी की सुपीरियर ओवरी, कोहड़ा देखे हैं सर घर में, सर मेरे घर में उगाया गया है। अच्छा हाँ, कोहड़ा की सब्जी और पूड़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है ना सर। 2021 में आया था सेम क्वेश्चन। हाँ आदित्य, ऐसे क्वेश्चन तो आते ही हैं परीक्षा में और इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो बताओ, आप पूछा गया, आपने कहा जब ये कंडीशन होगी, अब तो बता ही दो यार, इसमें क्या है? एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एम्पिगाइनस। एपिगाइनस कंडीशन होगी, एपिगाइनस मतलब फ्लावर ऊपर है, गायनो नीचे है। आपने कहा गाय नीचे है, ओवरी कहां पर है? बिल्कुल, जिसने भी बताया था इन्फीरियर की सुपीरियर, इन्फीरियर ओवरी। हाँ जी बिल्कुल राधा, आपने कहा इन्फीरियर ओवरी। गर्मी इतना ज्यादा पड़ती है, थक जाता हूं यार क्वेश्चन कराते कराते, 50 क्वेश्चन में थक जा रहा हूं आजकल। बताओ, कम से कम 1000 क्वेश्चन कराना चाहिए एक बार सीरीज चला के। खड़े हो जाओ, सुबह से लेकर 2-3 दिन लगातार क्वेश्चन करा डालू, है ना। हमें लगता है एक बार मैं यहाँ पे चढ़ जाऊं और बंद ही ना करूं, क्वेश्चन कराता ही रहूं, लगातार कराता ही रहूं, कराता ही रहूं, कराता रहूं, मतलब 2-4 हजार क्वेश्चन करा के तब उतरूं, लगातार क्वेश्चन कराता रहूं। इसमें लोग का प्रीवेजन कोड़ा की सब्जी और पूड़ी होती। हाँ पानी पी लीजिए सर। अच्छा निकिता पानी लाइए। हाँ पानी यार कोई पिलाने वाला है ही नहीं आज। बोटेनिकल नेम ऑफ मनी प्लांट, मनी प्लांट अगर पूछा जाता है, जिसको हम कहते हैं मनी प्लांट, पैसा का पौधा, वो एलोकेसिया है, पैथस है, अरेवस है, क्रोटन है। क्रोटन प्लांट किसे कहते हो? क्रोटन प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्रोटन। अरेवस तो जानते ही हो, रत्ती है, पैथोस मनी प्लांट है, मनी प्लांट है। एलोकेसिया, एलोकेसिया किसे कहते हो? अरवी को। क्रोटन पौधा, ध्यान रखना, क्रोटन का पौधा ये एक प्रकार की घास है और ये घास फसल के बीच में खरपतवार उग जाता है और ये पानी कम होने पर जल्दी से सूखने लगता है। तो फसल में वाटर इंडिकेटर प्लांट, फसल में जल सूचक पौधा कौन सा होता है? क्रोटन। आपने की फसल में जल सूचक पौधा है, वाटर इंडिकेटर, जल सूचक पौधा कौन सा है? क्रोटन। बाकी पैथोस मनी प्लांट को क्या कहते हो? पैथस। आपने पैथोस मनी प्लांट को कहते हो, सभी को पता है। एलोकेसिया अरबी प्लांट है, बिल्कुल। क्रोटन एक घास है और पानी ना रहने पर जल्दी सूखने जाता है, जल्दी सूख जाता है, तो किसान को पता चल जाता कि फसल में पानी अब देना है। चलो भाई, वाटर इंडिकेटर, व्हेन द फ्लावर अपीयर टू अराइज फ्रॉम द सिंगल पॉइंट द इनफ्लोरेसेंस इज अ, अरे यार, When the flower appear to arise is the single point. एक ही प्लांट से, आपने एक ही पॉइंट से फ्लावर अराइज होते हैं, सिंगल पॉइंट से फ्लावर अराइज होते हैं। अब इससे ज्यादा भी ना करो, नहीं तो ज्यादा ही हो जाएंगे। ऐसे को क्या कहते हैं? कैपिटुलम, कोरिम, अंबल, रेसिम। सेम सिंगल पॉइंट से फ्लावर अराइज हो रहे हैं, द कंडीशन इज नोन एज अ अंबल। अम्बेली फेरी, अम्ब्रेला लाइक। चलो, वेल शेप्ड करोला, बताओ। क्रूसी फारम ब्रेसी केसी लिगलेट करोला कंपोजिटी कैंपनुलेट कुकुरबिटेसी इन्फेंट डुबली सोलेनेसी, बताओ जल्दी से। सारे के सारे दिए गए, इन्फेंट डुबली, कैंपनुलेट, लिगलेट करोला, रोटेटरी करोला। आपने कहा ब्रेसी, ब्रेसी फारम, आपने कहा क्रूसी फारम ब्रेसी केसी कैंपन उलट कुकुरबिटेसी लिगुलेट करोला कंपोजिटी और बेल शेप्ड करोला कौन सा होता है? कैंपन उलट, लिगुलेट या इन्फंडुबुलम? इन्फंडुबुलम करोला इज फाउंड इन विच फैमिली? कुछ क्रिएटिव पॉइंट ए कहते हैं, ममता लिगुलेट कहते हैं, कुछ कैंप अनुलट कहते हैं, लिगुलेट करोला कहते हैं। अरे यार रिपीटेड क्वेश्चन है सर। हाँ वो रिपीटेड था ममता, लिगुलेट करोला में इतना कंफ्यूज। बेल शेप्ड करोला इज द
आपने कहा ये घंटे के आकार का होता है ना, इस प्रकार से जैसे घंटी बजाते हो पूजा वाली घंटी के आकार का करोला होता है, लेगुलेट करोला या कैंपनुलट या इन्फंडबुली, तो बेल शेप्ड करोला, घंटे के आकार का करोला कौन सा होता है? कैंप एनुलट करोला होता है। कौन सा होता है भाई? कैंप एनुलट करोला इज फाउंड इन, और ये किस में पाया जाता है बताओ? लेगुलेट करोला कंपोजिटिक कैंप एनुलट कुकुरबिटेसी, और ये कुकुरबिटा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कुकुरबिटेसी लेगुलेट करोला, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। क्यों? तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए बी होगा सर, गलत टाइप हो गया था। अच्छा, कद्दू का फ्लावर होता, बहुत अच्छा प्रश्न। कद्दू पूड़ी की आज बात चल रही, मुझे लग रहा है अब आप लोग जल्दी से कद्दू पूड़ी की सब्जी बनवाओ और मुझे कद्दू पूड़ी खाना है आज। इतना कद्दू पूड़ी कर दियो चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में जाके कद्दू पूड़ी चल रहे है ना। चलो भाई, पोलिना अकर्सिन सिट्रस साइडियम कैलाट्रोपिस या मैंजीफेरा, आपने कहा पोलिना अकर्सिन, पोलिना किस में पाया जाता है? गुज्जा किस में पाया जाता है बताओ? गुज्जा किस में पाया जाता है? ये किस में पाया जाता है? कैला ट्रॉपिस में पोलना होता है, पोलना अकर्सिन कैला ट्रॉपिस। मदार एस्कल्पिडेसी राधा, वेल डन ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। फ्यूज्ड बैग लाइक पॉलन ग्रेन अटैच्ड टू द ट्रांसलोटर ट्रांसलोकेटर। सर आइए मेरे घर, हम हैं रहे आज वहीं है? क्या कह रहे हैं सर? आइए मेरे घर हैं रहा आज वही। अच्छा, आज वही बना रहे हो क्या? कद्दू वद्दू? सर आइए मेरे यहाँ, आपको कद्दू और पूड़ी खिलाते हैं। ये सही है, कद्दू और पूड़ी सब खिलाने के लिए बुला रहे हो। चलो भाई, कद्दू पूड़ी खाने आ जाएंगे किसी दिन। नंबर ऑफ सिमिलर असेंबलिंग जेनरा आर पुट। अब सवाल पूछा गया कि नंबर ऑफ सिमिलर असेंबलिंग रिसेंबलिंग जेनरा एयरपुट फैमिली ऑर्डर क्लास सीरीज बताओ भाई। वंशों की संख्या डाली जाती समान एक सदृश से, जेनरा अगर होंगे तो सीरीज होगी, क्लास होगा, ऑर्डर होगा, फैमिली होगा। अंतिम सवाल की तरफ है, 50 क्वेश्चन कराएंगे, 50 कल कराए थे, आज 100 होने वाला है, 99 क्वेश्चन है। नंदिनी तो अलग मोड में रहती है। गीतांजलि गंगवार डी सीरीज, डी सीरीज इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग कह रहे फैमिली, सुषमा किरण फैमिली कहती है, निकिता फैमिली कहती है, ममता सीरीज कहती है। नंबर ऑफ सिमिलर रिसेंबल जेनरा इज प्रेजेंट इन पुट। जब सिमिलर जेनरा होगा, स्पीसीज अलग अलग होंगी, जब सिमिलर जेनरा होगा स्पीसीज अलग अलग होंगी तो उसे क्या कहोगे? कुछ लोगों ने पकड़ लिया सवाल, कुछ लोगों ने पकड़ लिया। सर मैंने सीरीज बोला है। अच्छा, अमृता कह रही मैंने सीरीज बोला है, और निकिता कह रही है मैंने सर पहले वो गलत टाइप कर दिया था, अभी मैं सीरीज बोल रही हूं। अच्छा, नंबर ऑफ सिमिलर जेवला पुटन सीरीज। अच्छा चलो भाई, सुषमा किरण अभी भी अडिग रहे हैं, अडिग रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको, जग में जीने और मर जाने में। सुषमा किरण एकदम करेक्ट आंसर है आपका, और फैमिली इज द राइट आंसर। अडिग रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर मिली सफलता उसको, जग में जीने और मर जाने पर। आंसर इज गोज टू दैट क्वेश्चन, फैमिली। नंबर ऑफ सिमिलर रिसेंबलिंग जेनरा, यार जब स्पीसीज आपने कहा जेनरा अगर सिमिलर है तो आपने कहा उस कंडीशन को हम सेम स्पीसी, सॉरी क्या बोलेंगे, फैमिली। फैमिली में तमाम जेनरा रखे होते, क्या फर्क पड़ता है?
सिमिलर जेनरा रहते हैं, स्पीसीज चेंज होती है, जेनरा सिमिलर होता है, स्पीसीज चेंज होती है। हम तो सर अभी तक सोच रहे हैं किस कोने में पड़ा है दिमाग। फैमिली मैं भी बोली थी, बाद में कंफ्यूज क्यों हो गए। फिर से मैंने कहा अडिग रहा जो अपने पथ पर, बच्चों का दिल तोड़ दिए सर। तभी तो मैंने बताया कि आप अडिग नहीं रहते हो, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। तो भाई इस सेशन का अंतिम सवाल आ रहा है, क्या सच में इस सवाल को तोड़ने के लिए तैयार हो? क्या सच में आपके पास ऊर्जा है इस सवाल को करने के लिए? सवाल नंबर 100, मतलब 100 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा। एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में जाके एनर्जी दिखाइए, फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके फायर इमोजी झोंक दीजिए सभी के सभी साथी, धुआंधार तरीके से फायर इमोजी करिए। 100 नंबर क्वेश्चन सर, अब बस लास्ट क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन, एनर्जी दिखाओ जल्दी से। 2 करोड़ का सवाल है, एनर्जी दिखाओ सभी के सभी, एनर्जी दिखाओ, एनर्जी दिखना चाहिए चैट सेक्शन में, ऊर्जा दिखना चाहिए। एनर्जी लेवल डाउन है, थोड़ा सा टॉप लेवल का होना चाहिए, पोटेंशियल टॉप लेवल का होना चाहिए। बहुत अच्छा है। चल दीपाली, संगीता, राजपाल, साकिब, नंदिनी, सुधीर, रश्मि, चलो भाई 100वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और पढ़िए आंसर करिए। पैप्लियोनेसी, सिजलपाइनेसी, मेमियोसी और 3 सब फैमिली ऑफ द लेग्यूमिनेसी, द डिस्ट्रीब्यूशिंग आपने का डिस्टिंग्यूज्ड बाय द करेक्टर्स ऑफ सेपल पेटल, कार्पल पेटल एंड एंडोसीम। किस बेस पर लेग्यूमिनेसी को 3 भागों में बांटा गया? शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद सेशन। सुषमा किरण कहते हैं पेटल, सेपल, कार्पल, फ्रूट पेटल एंड एंड्रोसियम। अच्छा, डी सीमा, प्रिया प्रिया डी, आशीष कुमार गुप्ता डी, उषा तिवारी, दीपाली, गीतांजलि, सुषमा किरण, ब्रदर्स ऑफिशियल, स्नेहा वर्मा, प्रतिभा सिंह, कुश क्रिएटिव, एचएल, नीरज साइंस क्लासेस, राजपाल सिंह, ममता प्रजापति, अमृता पांडे, गीतांजलि गंगवार, नंदिनी, निकिता, ऑल ऑफ यू आर द करेक्ट। आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर किया और आपने कहा सारे के सारे ये फैमिली को सब फैमिली में डिवाइड किया गया, लेग्यूमिनेसी को सब फैमिली में डिवाइड किया गया, पैप्लियोनेसी, सिजलपाइनेसी, मेमियोसी। तो आपने कहा ये ऑन द बेसिस ऑफ पेटल एंड एंड्रोसियम करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ यू आर गिविंग द डी। कोमल भार्गव, रुचि पटेल, सारे के सारे दोस्त, सारे के सारे मित्र करेक्ट आंसर दिए। तो कैसा था आज का सेशन, कैसी थी आज की क्लास? जितने भी साथी, जितने भी मित्र सेशन से जुड़े, सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दो, और सभी लोग, जितने भी साथी, जितने मित्र सेशन से जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करेंगे मैक्सिमम। और आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि जितने भी साथी, जितने भी मित्र चैट सेक्शन से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला 7:00 में लेकर उपस्थित होता हूं राजीव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जो साथी, जो मित्र अभी तक अपना कोर्स परचेज नहीं किए, और आप अगर पढ़ना चाहते हो थ्योरी की क्लास 4 घंटे प्रतिदिन, तो आप राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे जाके, गूगल प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है राजीव एकेडमी, RAJEE, और एकेडमी ACADEMY, और वहां पर आप गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा हमारा फोटो लगा हुआ एक एप्लीकेशन, एक ऐप, उसको डाउनलोड करके उसमें एक सिंपल सी ID पासवर्ड बनाकर अपना लॉगिन करके और एप्लीकेशन डाउनलोड करके लॉगिन करके, और आप फटाफट उसमें जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हो परचेज करके, धुआंधार प्रैक्टिस के साथ साथ थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। आज जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, आज जो बच्चे कॉन्फिडेंशियल हैं, जो धनाधन आंसर दे रहे हैं, वे सभी के सभी बहुत डिटेल्ड लगभग पिछले 1 बरस से थ्योरी पढ़कर बैठे हुए हैं। परीक्षा आएगी, धुआं कर देंगे ये लोग, मुझे पता है। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी धुआंधार तरीके से अपना पढ़ाई करते रहिए, स्टडी करते रहिए, और बाकी हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में कल। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच। सर आज कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया सर, मेरा हाथ जल गया है, खाना बनाती हूँ। अरे बाप रे, ख्याल रखा करो और हाथ मात ना चलाया करो, हमेशा टेक केयर रखा करो, है ना। और
ग्लिप्स पहन लिया करो। जब हाथ वहां जल जाते तो खाना बनाते समय क्या पहन लिया करो, जैसे वो क्रिकेटर होते हैं ना, हाथों में ग्लिप्स पहन के खाना बनाते, वो क्या कहते हैं क्रिकेट खेलते हैं, तो तुम हाथों में ग्लिप्स पहन के खाना बनाया करो। जैसे बचपन में प्रैक्टिकल करती थी वो क्या कहते हैं ग्लिप्स पहनकर, वैसे ग्लिप्स पहनकर खाना बनाया करो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।